आ जाओ दोस्तों, देखिए कौन आया है। रौनक लोग करो, खुश रहो। पहली बार आए हमारे घर, चलिए अब इनकी खातिरदारी करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आज तो आइए गर्मा गर्म चाय पीने। तो देख सकते हो आप लोग, रौनक तो आ गया है महक को ले जाने के लिए। ये रात को करीब एक बजे आया है, तो काफ़ी दिन तक महक रहेगी साथ में, पर अब उसे जाना भी है क्योंकि उसके पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। और बस हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और हस्बैंड नहाने गए हैं, तो वैसे भी ज़्यादा दिन रुकेगा भी नहीं क्योंकि टिकट हो नहीं रहा था, इस वजह से जल्दी आया नहीं। बाकी तो और बस यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। और पीहू परेशान करिए मेरे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेटी मेरे आके ना फ़ोन मेरे ले लिया, इसे तो आके रोने लगी, गोद गोद करने लगी। और मॉर्निंग का टाइम है अभी, चाय वाय तो हमारा हो गया, ने देखा। और महक तो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। उसका रीज़न तो पता आप लोगों को पता है कि इसका भैया आ गया इसे ले जाने के लिए, इसलिए बहुत खुश है। काफ़ी दिन तक हमारे साथ रही, लगभग 1.5 महीने तक, 15 दिन और होती 2 महीना हो जाता। इसका पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है काफ़ी, बट टिकट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वो आ नहीं पा रहा था, कंफर्म ही नहीं हो रहा था टिकट, इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना इतने टाइम तक रुकती नहीं। अब बहुत ज़्यादा इसे पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा। मेरी दाल पक रही है, सीटी कुकर की सुनाई दे रही है आप लोगों को। तो चलिए, अभी काम घर का बाकी है, खाना पीना बाकी, मैं तो नहा धो के पूजा कर ली, चाय भी हो गया। अब हस्बैंड नहाने गए हैं, वो निकल के आएंगे, फिर वो पूजा करेंगे, चाय पियेंगे, फिर खाना में लगती हूँ, घर के काम में लगती हूँ। बेटा स्कूल गया और रौनक टीवी देख रहा, और पीहू मेरा फ़ोन लेके अपना कार्टून देख रही थी। मिलते हैं आप लोगों से फिर। ये देखिए, ये नाश्ता लेकर आए हैं, और ये रौनक लेके आया है, ये सिरका लाया है, गांव से सिरका मंगवाया था हमने 2 बोतल, ठीक है। और ये नाश्ता है चाय के साथ खाने। भाई ये देखिए क्या है, फायर पूड़ी। ये पूड़ी खाओगे तो आग लग जाएगी, तीखी वाली मिर्ची वाली फायर पूड़ी है ये। मैं भी पहली बार टेस्ट करूंगी, देखती हूँ कैसा है, ओपन करके देखती हूँ और देखती हूँ मैं फायर पूरी में कितना फायर है। इसलिए मैंने बोला कि महक थोड़ा इस पैकेट को ओपन करो, देखती हूँ फायर पूरी। ओहो, कितना फायर है इसके अंदर। मस्त है, मस्त। देखो मेरे मुंह में फायर हो गया। मेरे हस्बैंड निकल तो गए थे, बट वो कुछ भूल रहे थे, इसलिए मैं उनको याद दिला रही थी, तो उन्हें याद नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से मैंने उन्हें याद दिलाया, तो वापस घर में आए लेके फिर। पापा,
अब हम लोग लग रहे हैं खाना बनाने में, क्योंकि दाल तो पक चुकी है और यहाँ पे महक प्याज टमाटर लहसुन वगैरह कट कर दिया है महक ने। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना ले रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी है। एक्चुअली मैं दही वाली भिंडी बनाने वाली थी, बट दही मिला नहीं, उसी वजह से मैंने ये सारे मसाले उससे टमाटर प्याज वगैरह कट करवाया था कि थोड़ा, बट दही ना मिलने की वजह से सिंपल ही सब्ज़ी बनाना पड़ा। चलिए गाइस अभी खाने के लिए। चाकू सलाया कैसा लग रहा है? कैसा बना है खाना? भाई चाकू आज में ये खट्टा बोलते हैं, इसे मकई भी बोलते हैं, मैं मकई बोलती, बट यहाँ पे भुट्टा बोलती, इसलिए मैं भुट्टा बोल रही हूँ। ये देसी भुट्टा है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक आटा है, अच्छी लग रही है। अभी मुझे भूजने में भी प्रॉब्लम होगा, इसे सीखने में पीछे का इसका निकल गया। चलो ये रहा मेरा सीखने वाला। बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे लोग सो रहे हैं, एक पीहू, और मेरा बच्चा स्टडी कर रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। आजा भैया, मैं गर्मा गर्म भुट्टा पे। बेटा मेरा सो गया, अब ये जगेगा रात को 12-1 बजे तक। अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है और ये 6 बजे सोए, इसे 1 घंटे हो गए सोए हुए। चाय, बहुत छोटे से बर्तन में चाय बन रही है, एकदम छोटे से बर्तन में चाय बन रही है। महक बना रही है चाय, भाई बना दे, अब जाने ही वाली है, जब तक है बना के पिला दे। ये मकई का छिलका है। अरे खुशी के मारे हाय हाय निकल रहा है, देखा ना आप लोगों ने, खुशी के मारे हाय हाय कर रही है, नहीं तो नहीं करती थी। देखिए इसके चेहरे पे हंसी देखिए, स्माइल देखिए। तो हो गई है शाम, महक कर रही है पूजा। 2 दिन और मेरी हेल्प कर दे पूजा में, किचन में, उसके बाद तो फिर अकेले ही पड़ जाऊंगी मैं, सूना हो जाएगा घर मेरा। जल गई, जल गई, ओहो हो, Hey!
पी हूँ। राजा बेटा। तो सत्तू मेरा रेडी हो गया है खाने में। आज बना रही हूँ मैं लिट्टी। और यहाँ देखिए बेटी मेरी साइकिल चला रही है। अब बेटी मेरी साइकिल चला लेती है अच्छे से, अब खुद से चढ़ भी जाती है, उतर भी जाती है, टर्न ले लेती है, लेफ़्ट राइट कर लेती है, बट पैंडल फुल नहीं मार पाती, पैंडल हाफ ही मारती है। पर फिर भी इतना बैलेंस बन जाता है। अभी 2.5 साल की हुई भी नहीं है, अभी होने वाली है। अब तो देखिए कैसे फटाफट से साइकिल चला ले रही है। तो ये लिट्टी मैं जो बना रही हूँ ना, ये रौनक का फेवरेट है। उसी ने बोला कि मौसी लिट्टी बनाई, अगर इसे आज रोज़ रोज़ भी लिट्टी बना के दो ना तो ये मना नहीं करने वाला है, इतना इसे पसंद है। सच बता रही हूँ, पता नहीं फेवरेट से भी फेवरेट है इसके लिए। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने सब्जी रोटी बनाया था, उनको उतना पसंद नहीं आता है। तो ओके फिर गाइज, आज का वीडियो बस यहीं तक का। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर कल आपसे। बाय, टेक केयर।